नमस्कार, मैं हूं इंजीनियर राजीव तावड़े। और पिछले हफ्ते यानी कि 3 जुलाई 2021 को शनिवार के दिन पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ट्रेंडलाइन ड्रॉ की थी टाटा मोटर्स के चार्ट पर। आपको ये वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई सूचना और इंग्लिश में लिखा हुआ डिस्क्लेमर जरूर पढ़े। मैं किसी को कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देता, मैं सिर्फ ट्रेंडलाइंस की पढ़ाई दिखा रहा हूँ। जो मेरे खुद के लिए मैं करता हूँ वही मैं दिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि अगले वर्किंग डे को स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये कोई भी बता नहीं सकता है। मैं सिर्फ अपने ट्रेंडलाइंस की पढ़ाई पर फोकस करता हूँ और मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि ये जो ट्रेंडलाइन है जो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में यानी कि 3 जुलाई के वीडियो में मैंने जो बताई थी, उसी ट्रेंडलाइन को देखते हुए मैं ये देख रहा हूँ कि उस ट्रेंडलाइन के साथ ये रेजिस्टेंस करके एक्ट हुई हुई कैंडल बनी है आज के दिन पे, यानी कि 5 जुलाई 2021 का दिन खत्म होने के बाद में ये शाम को वीडियो बनाया जा रहा है 6:30 बजे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये सपोर्ट करके एक्ट हो रहा था, यहाँ पे ये सपोर्ट करके एक्ट हुआ था, सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन करके एक्ट हुई थी, ये लाइन ये रेजिस्टेंस करके एक्ट हुई थी और अभी इसके नीचे बनी थी कैंडल 2 जुलाई को। और अभी इधर देख रहे हैं आपकी यहाँ पे रेजिस्ट होके यहाँ पे कैंडल ऐसे बनी है। तो जस्ट ट्रेंडलाइन की पढ़ाई दिखाने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।